सच पूछें तो इस जंगल की वाइब्स अच्छी नहीं है, कुछ पैरानॉर्मल वाइब्स आ रही हैं इस जंगल से। चल ओ गई बाइक, ओ नो शिट, कोई है गाइज। मिशन कश्मीर सीरीज की पिछली एपिसोड में आपने मेरा हवेली डिस्ट्रिक्ट का सफर देखा, जिसमें मैं सुबह सुबह निकला था लसना टॉप से और फिर हवेली डिस्ट्रिक्ट के खूबसूरत पहाड़ों और वादियों में ट्रैवल करते हुए हमने विजिट किया शेरू ढारा और हाजीपीर का इलाका, और हाजीपीर से मैं पहुंच गया था फाइनली हलन शुमाली गाँव में। आज चलते हैं हलन शुमाली से आगे नीलफरी की खूबसूरत ट्रैकिंग करने। ओके जी, ये जो बाज़ार है हलन शुमाली का, यहाँ भी बोर्ड लगा हुआ है नीलफरी है यहाँ से 10 किलोमीटर, सकियाँ है 7 किलोमीटर और बसाहाँ है 3 किलोमीटर। तो चलते हैं, दरगाह है बसाहाँ शरीफ, बेसिकली बसाहाँ, पहले 3 किलोमीटर बाद आएगा बसाहाँ, फिर 7 किलोमीटर बाद सकियाँ, ओके, और फिर मज़ीद 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग है, कर लेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह खैर करे जी। कहते हैं कि रास्ता ये थोड़ा सा ख़राब है, कोई लैंडस्लाइडिंग टाइप हुई हुई है जिसकी वजह से रोड टूट गया है काफ़ी, तो आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं ऊपर। ओए हो, काफ़ी चढ़ाई है अभी बाइक की तो जान लग रही है सही। ओह हो, चल 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 चल। ओए हो, ये आ गया अब कच्चा रोड। ओके जी, ये गांव आ गया है जिसका नाम है बसाहाँ। दो रोड जा रही थी, मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, पता नहीं नीचे जाना था, कोई लोकल बंदा मिलेगा तो वहाँ से पता चलेगा मैं सही आया हूँ या नहीं आया। अच्छा, बसाहाँ से आगे जितना मैं आ रहा हूँ रोड अच्छा बना हुआ है, मतलब प्रॉपर कंक्रीट का बना हुआ है, नीचे ज़रा गंदा था, और देखते हैं अब ये कितना आगे तक जाता है मज़ीद सही रोड। सकियाँ तक मुझे नीचे भी बंदे ने बताया कि ठीक रोड आपको मिलेगा, उसके बाद कच्चा हो जाएगा, लेकिन कह रहे हैं लोकल्स के जी बाइक जाती है 70 भी जाती है आराम से। लो जी, ऑक्सीजन अब ऊपर आके कम होना स्टार्ट हो गई है और बाइक की जान अब काफ़ी ज़्यादा लगना शुरू हो गई है, बस अब ना तीसरा गियर ना दूसरा गियर, सिर्फ पहला गियर, और हम जा रहे हैं बस 10 की स्पीड पे। यार ये पैच तो बहुत गंदा है, देखना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ से आके थोड़ा सा टेढ़ा होके वहाँ लेके जाता हूँ। चलें जी बैठते हैं दोबारा। अच्छी वाली रोड आ रही थी, हमें ये एक छोटा सा नाला आया और इसने गांव ख़राब कर दिया। आराम आराम से चलते हैं। वापस भी आना है इस पर, तो वापसी पे तो प्योर धक्का चाहिए, ये अकेले नहीं हो सकता वापसी पे, जाते हुए तो फिर नीचे जा रहा हूँ बस आराम आराम। ओह चल बैठ चल, हसीना यस ओके। ओए ओए ओए, वापसी पे तो इधर मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा किसी का कि कोई धक्का लगाए, अदरवाइज नहीं चढ़ सकता। बाइक काफ़ी थक गई है, काफ़ी कच्चा और जो है ना वो पत्थरों वाला अखीर ऑफ रोडिंग वाला ट्रैक आ गया था, बड़ी मुश्किल से पानी से गुजारा है ये। फिर आप देखें यहाँ से आया हूँ और अभी यहाँ से जाना है,
ऊपर, और इस पहाड़ के ऊपर है जाके नीलपरी यार। बहुत कच्चा रोड है, हाफ क्लच में मुझे जाना पड़ रहा है, इसलिए बाइक को बार बार ठंडा करना पड़ता है, बिकॉज क्लच प्लेटें जो है ना वो फारक होने का खतरा होता है बाइक की। ओए लग गया, तो बड़ा खूबसूरत सा आ गया, लेकिन ये सकिया नहीं है। सकिया आने में अभी 1.5 किलोमीटर है। सही भी जा रहा हूँ या नहीं जा रहा। जी वो जो गांव था वही था सखियाँ गांव, और बस 2-3 घर थे वहाँ पे, और नीचे हमें लोगों ने बताया था कि आपने लेफ़्ट होना है, राइट नहीं होना। तो मैं लेफ़्ट हो गया हूँ, अब देखते हैं कहाँ तक जाती है ये रोड। ओह नो शिट, कोई है? इसको पेट्रोल गिरने लग जाता है यार फौरन। अच्छा बाइक गिर गई है, जरा उठाना। मोटरसाइकिल ये रास्ता नीलपरी चला जाएगा। सकियां गांव कौन सा है? सकी वो नीचे है। नीचे है तो बैग उतार जाऊं यहाँ पर? बैग में क्या है? सामान है बस, कपड़े। ये मेरी साथ हेल्प कर दो थोड़ी सी उठाने में। आपको तो नहीं लगी है? हैं? नहीं नहीं। अच्छा ठीक है। अच्छा आप यहाँ से पीछे से उठा दें, मैं आगे जाता हूँ। आप किस जगह से आए? मैं लाहौर से आया हूँ। पत्थर से नीचे करो अभी। हैं? नीचे कर लूँ? पीछे करूँ? पीछे करूँ? ओके जी डिसाइड ये हुआ है कि मैं आगे बाइक पे नहीं जा रहा, बिकॉज़ आगे काफ़ी टफ है और ऊपर के फिर कोई गांव भी नहीं है। तो सकियाँ ये आखिरी गांव है, बाइक को मैं इधर खड़ा कर रहा हूँ, और वो सामने एक हट बना हुआ है, वहाँ पे अपना कुछ सामान वगैरह वहाँ रख दूँगा। और फिर उन्होंने बताया कि पैदल ही आप ऊपर जाएँगे तो आपको 2 घंटे यहाँ से लग जाएंगे। 2 घंटे इनके, इसका मतलब है 3-3.5 घंटे मेरे। 12 बजे हैं,
3 बजे तक पहुँच जाऊँगा और 1-1.5 घंटे में नीचे आ जाऊँगा इंशाल्लाह। तो शाम तक 5 बजे तक हम पहुँच जाएंगे नीचे। जल्दी से मुझे अपना सामान वगैरह इकट्ठा करना है और ऊपर देकर आना है। काफ़ी स्टीप चढ़ाई है। ये एक लड़की जा रही है, इसने मुझे कहा कि मैं आपको रास्ता दिखा देती हूँ, ये आगे किसी के घर मिलने जा रही है। ओके जी, वो लेडी मुझे इस रास्ते तक ले आई है बेसिकली, और शॉर्टकट से लेके आई है मुझे, वही बाइक वाला रास्ता है। ये आप चेक करें, किसी सूरत बाइक नहीं जा सकती, 150 तो बिल्कुल नहीं जा सकती, 250 या 350 हो तो फिर रिस्क लिया जा सकता है, लेकिन बहुत बड़ा पत्थर है। सो अब हम इस सड़क पे होते हुए ऊपर जाएंगे। 12:30 हुए हैं, 2 बजे तक का टारगेट है पहुंचने का। गांव देख रहे हैं, यहाँ पे अपना सामान रख के हूँ मैं। आधा घंटा हो गया और अब मैं सड़क पे पहुँच गया। अब हमने इस सड़क को फॉलो करना है और ये होती जाएगी वो वहाँ पर। ये दोपहर 1 बजे का टाइम है और जंगल की आवाज़ें ऐसी ख़तरनाक है जैसे कोई रात होने वाली है। वो ऊपर कह रहे हैं दरख्तों के पास हट लगे हुए हैं, देखते हैं कितनी देर बाद आते हैं वो हट्स। सच पूछें तो इस जंगल की वाइब्स अच्छी नहीं है, कुछ पैरानॉर्मल वाइब्स आ रही हैं इस जंगल से, और एक अजीब सी स्मेल है जैसे ही कोई डिकेइंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा कहीं पे हो रहा हो ना, कोई भी जो ऑर्गेनिक मटेरियल का, और वो जो स्मेल सी कुछ आ रही होती है वैसी आ रही है स्मेल। इस वक्त तो मुझे कुछ नहीं पता था कि ये स्मेल क्यों आ रही है, लेकिन जैसे ही मैं ऊपर गया तो मुझे लोकल्स ने बताया कि उस जंगल में 2 या 3 चीते हैं जो उनकी भेड़ें उठाकर ले गए थे, और ये उन्हीं जानवरों के बच्चे खुचे की स्मेल थी, और इस लाइलमी में मैं उस वक्त चीतों के पास से गुजर रहा था। Thank you.
अब रास्ता थोड़ा सा स्ट्रेट है, ग्रीन ग्रीन भी हो गया। अभी पीछे से एक घर आया, मैंने एक बच्ची से पूछा कि कितना रह गया बस, तो मेरे दिन में यही था थोड़ा सा रह गया। तो बच्ची कहती है जिस स्पीड से आप जा रहे हैं आपको एक घंटा लग जाएगा मजीद। वो पीछे मुझे एक हट नज़र आया और दो इंसान नज़र आ गए हैं इस जंगल में। चलें जी वहाँ तक जाते हैं, आई थिंक मुझे 15 मिनट लगेंगे उस जगह तक पहुँचने में। काफ़ी ऊपर में आ गया हूँ ऑलमोस्ट, लेकिन एक सीन हो गया कि काला बादल आ रहा है। कमाल की ग्रीनरी आई है, वो एक छोटी सी टक शॉप है लेकिन बंद है। कुछ इधर हट्स भी लगे होंगे, वो भी उतर चुके हैं, लेकिन इन काले बादलों से भी बचना है। फाइनली जंगलों और पत्थरों में ट्रैकिंग करके मैं पहुंच गया नीलफड़ी के टॉप पे। बादलों ने नीलफड़ी टॉप को पूरी तरह अपनी लपेट में ले लिया था और साथ ही लोकल्स ने गर्मा गर्म चाय और बिस्किट सर्व किए। हवेली डिस्ट्रिक्ट है तो बहुत छोटा, लेकिन इस डिस्ट्रिक्ट में मुझे वो खूबसूरती देखने को मिली जो अनबयानेबल है। इतनी खूबसूरत जगह से मेरा जाने को दिल नहीं कर रहा था, लेकिन बादल भी शदीद आ रहे थे और अंधेरा होने की वजह से चीते के अटैक का भी मुझे बहुत खतरा था, इसलिए जल्दी वापस निकल पड़ा। और जी जिसका डर था वो हो गया, होते इस बारिश स्टार्ट हो गया और अभी ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा रहती है। आई होप रुक जाएगी बारिश थोड़ी देर बाद या नहीं, लेकिन ये बहुत तेज़ है। मैं कैमरा अंदर रखता हूँ। मिशन कश्मीर कंटिन्यूस। मैं जा रहा हूँ, बारिश मज़ीद तेज़ हो गई है। बारिश तो बहुत शदीद थी और गीला होने की वजह से मुझे शदीद ठंड भी लग रही थी, लेकिन ये बारिश अल्लाह की तरफ से एक मदद ही थी, क्योंकि अगर बारिश ना होती तो मैं उस दिन शायद चीते का लुकमा बन ही जाता, बिकॉज तेज़ बारिश में चीते और शेर शिकार करने बाहर नहीं निकलते। ये हालत है इस वक्त बारिश की और अभी भी नीचे रहता है तकरीबन आधा घंटा सखियाँ आने में। सारी पैंट शूज के अंदर पूरा पानी भर चुका है और मुझे फाइनली पहुंच गया मैं सकिया में, जहाँ पे नगीनाबाजी के पास मैंने अपने सामान रखवाया था, लेकिन असल में तो बाइक मेरी वहाँ करी है और उधर मेरा बड़ा सामान बंधा हुआ है बाइक पे। चलते हैं पहले शेड के अंदर। यार वो खड़ी अपनी बाइक फुल बारिश में, वो भी सामान लाना है। यहाँ पे रखा था हमने अपना सामान।
आ जाओ। सलाम अलैकुम, आ जाओ। सब्ज़ दीन था आपका ना? सलाम अलैकुम। शाम हो रही थी लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, लिहाजा सब्ज़दीन अंकल ने कहा कि अब आप आगे नहीं जाओगे और रात हमारे साथ ही रुकोगे। इनके नाम भी रखे हुए हैं जी। इसका क्या नाम है? काचरी। काचरी, और जो पहली वाली थी वो संडा है। संडा। अच्छा, इसका नाम? इसका नाम चनकारी। चनकारी। अच्छा, कितनी है टोटल भैंस है? बाइक मेरी नीचे पहाड़ पे ही खड़ी थी लेकिन नगीना बाजी ने लकड़ियां जला के कुकिंग की और मेरे लिए ऑर्गेनिक बुफे तैयार करके जो मेरी उस दिन मेहमान नवाजी की, मैं वाकई उसको नहीं बोल सकता। तो मिलता हूँ आपसे फिर अगले एपिसोड में मिशन कश्मीर सीरीज के एक नए डिस्ट्रिक्ट में।